दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। 8 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 809 प्रवासी पहुंचे नवगछिया। नवगछिया स्टेशन पर भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों ने किया जमकर हंगामा। लापता व्यवसायी की बरामदगी के लिए एसपी से लगाई गुहार। चंडीगढ़ से लौटे नारायणपुर के बलहा के प्रवासी हुए कोरोना संक्रमित। मालवाहक वाहनों से यात्रा करवाने पर होगी कार्रवाई। गोपालपुर विधानसभा के 260 बूथों पर सप्तऋषि के साथ भाजपाइयों ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। नवगछिया के वरिष्ठ अधिवक्ता का हुआ निधन। नवगछिया में भाजपाई हुए मन की बात कार्यक्रम में शामिल। नवगछिया में सघन वाहन चेकिंग में वसूला गया 10,000 का जुर्माना। अब खबर विस्तार से। 8 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 809 प्रवासी पहुंचे नवगछिया। नवगछिया स्टेशन पर 8 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार को कुल 809 प्रवासी नवगछिया स्टेशन पहुंचे। सभी प्रवासियों को नवगछिया स्टेशन पर तैनात स्वास्थ्य टीम के द्वारा स्क्रीनिंग के बाद बस से विभिन्न जिलों में भेजा गया। पहली ट्रेन से 146, दूसरी ट्रेन से 33, तीसरी ट्रेन से 274, चौथी ट्रेन से 89, पांचवी ट्रेन से 79, छठी ट्रेन से 66, सातवीं से 35 एवं आठवीं ट्रेन से 87 प्रवासी नवगछिया पहुंचे। नवगछिया स्टेशन पर पहुंचे भागलपुर, खगड़िया, बांका, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका सहित अन्य जिलों के प्रवासियों को बस से अपने अपने गंतव्य जिला भेजा गया। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों ने किया जमकर हंगामा। नवगछिया स्टेशन पर रविवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक साथ पंडाल के अंदर सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताते चलें कि इस मौके पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। कई मजदूरों ने कुर्सी तक को उठाकर पटकना शुरू कर दिया, जिससे कुछ कुर्सी भी टूट गई है। पूछे जाने पर प्रभारी इफ्तिकार आलम ने बताया कि प्रवासी भागलपुर से बस से नवगछिया आए थे और उन्हें किशनगंज जाना था, लेकिन उसे तत्काल कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं रहने के कारण सबों को पंडाल में बिठाया गया था, जहां भूखे प्यासे होने के कारण प्रवासियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि काफी समझाने के बाद प्रवासी समझने को तैयार हुए। इस बीच प्रभारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी व पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पूर्व सभी प्रवासी शांत हो गए थे। पुनः संध्या के समय ट्रेन से सबों को 4 बजे किशनगंज भेजा गया। प्रभारी ने बताया कि यहां पुलिस बल की अत्यावश्यक है। वर्तमान में किसी भी समय स्थिति बिगड़ने पर अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है, इसलिए उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से पुलिस की मांग की है। लापता व्यवसायी की बरामदगी के लिए एसपी से लगाई गुहार। भागलपुर के इसाचक वार्ड संख्या 48 से बीते 12 मई को लापता व्यवसायी ब्रजेश प्रसाद शाह 53 वर्ष की बरामदगी नहीं होने से किसी अनहोनी की घटना से चिंतित परिजनों ने भागलपुर के डीआईजी, आईजी, सीनियर एसपी, डीएसपी भागलपुर को लिखित आवेदन देकर लापता व्यवसायी की बरामदगी की गुहार लगाई है। लापता व्यवसायी की पत्नी रूपा प्रसाद ने वरीय पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाते हुए बताया है कि उनका पति मिर्जानहाट में मिठाई का व्यवसाय करता था। 12 मई को घर से निकला है, वापस लौटकर घर नहीं आया है। परिजनों को किसी बड़ी अनहोनी होने की घटना सता रही है। पीड़िता का भाई खरीक बाजार निवासी बलराम शाह ने बताया कि हम लोगों ने खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया है। पूरे परिवार के लोग चिंतित और परेशान हैं। चंडीगढ़ से नारायणपुर के बलहा के प्रवासी मिले कोरोना पॉजिटिव। नारायणपुर के जयपुर चूहरपुरा पंचायत के बलहा गांव के वार्ड संख्या 7 में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसे आइसोलेट करने के लिए मायागंज भागलपुर भेज दिया गया है। साथ ही उसके परिवार के 4 सदस्यों को भी जांच के लिए नवगछिया भेजा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि चंडीगढ़ से लौटने पर क्वारंटाइन सेंटर में था, जहाँ से 1 सप्ताह पहले नगर पारा से घर भेज दिया गया। 5 दिन घर में रहकर सभी जगहों पर घूमने के बाद आसपास के लोगों के संदेह पर शनिवार को पीएससी नारायणपुर के स्वास्थ्य टीम ने लक्षण पाए जाने पर जांच के लिए ले गए। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आया। वहीं बताते चलें कि पॉजिटिव की रिपोर्ट रविवार को आने के बाद उसके परिवार के 4 सदस्यों को जांच के लिए भेजा गया है। नारायणपुर में पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें बलहा गांव से 4 मरीज हैं। मालवाहक वाहनों से यात्रियों की यात्रा करवाने पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग के सचिव ने सभी थाना अध्यक्ष एवं परिवहन विभाग को दिए निर्देश। नवगछिया जिले के खरीक थाना क्षेत्र के अंबो के पास NH 31 पर बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर के घटने के बाद
परिवहन विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारी एवं एसपी को पत्र भेजकर मालवाहक वाहन से यात्रियों का परिचालन न हो इस संदर्भ में चेक पोस्ट बनाकर थाना अध्यक्ष एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारी को चेकिंग करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को प्रदत्त की गई मोटर अधिनियम की विभिन्न धाराओं का भी उल्लेख किया है। नवगछिया के गोपालपुर विधानसभा के 260 बूथों पर सप्तऋषि के साथ भाजपाइयों ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 260 बूथों पर सप्तऋषि के साथ भाजपाइयों ने उत्साहपूर्वक सुना। पीएम मोदी के मन की बात को सुनने के लिए रविवार की सुबह से ही भाजपाइयों में काफी उत्साह देखा गया। भाजपा के विभिन्न मंचों व मोर्चों से जुड़े हजारों कार्यकर्ता ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा, महामंत्री रंजीत झा, चंदन भगत, जिला महामंत्री आलोक सिंह, गुलाबी सिंह, रवि कुमार शाह, नीलेश कुमार सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, मुकेश मंडल सहित बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने मन की बात को सुना। नौगछिया के खगड़ा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर मिस्त्री का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। उनके निधन पर अधिवक्ता संघ ने शोक संवेदना व्यक्त की है। रविवार को उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोगों का तांता उनके आवास पर लगा रहा। वहीं आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि स्वर्गीय किशोर मिस्त्री हमेशा गरीबों और मजदूरों की आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़ते थे। उनका चला जाना समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। श्री यादव ने स्वर्गीय मिस्त्री के परिजनों को संतावना दी है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भाजपाई हुए शामिल। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष खरीक दक्षिण की जिला पार्षद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सप्तऋषि संगठन एवं महिला मोर्चा के सभी मंडल सदस्यों के साथ खरीक के कठेला गांव स्थित अपने आवासीय परिसर में आयोजित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य गगन चौधरी भी मौजूद थे। नवगछिया में सघन वाहन चेकिंग में वसूला गया 10,000 का जुर्माना। नौगछिया पुलिस अधीक्षक निधि रानी के आदेशानुसार पूरे नौगछिया पुलिस जिला में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नौगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विशु राउत पर नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा के नेतृत्व में चलाया गया। वहीं पर्वता थाना क्षेत्र के थाना चौक पर थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव के द्वारा चलाया गया, जहाँ 10 गाड़ी से 10,000 रूपए का जुर्माना वसूला गया। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर ओई मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, SCBSE अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177 9935855177। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध। नौगछिया अनुमंडल तथा भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा इंटरनेशनल।